सिंधिया का बड़ा बयान, छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ, भाजपा की सियासत में आया भूचाल। बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 9 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में नेताओं ने सियासी फील्डिंग जमानी शुरू कर दी है। 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ ये चुनाव सूबे के कुछ नेताओं की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, जिनमें एक नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। ऐसे में दोनों तरफ से अब जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बता दें, शिवपुरी जिले में आयोजित एक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि वादा खिलाफी करने वाली कोई भी सरकार हो उसको धूल चटा दूंगा। मैंने इसलिए बीजेपी सरकार बनाने में जी जान लगा दी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वे अपने वादों और इरादों पर खरी नहीं उतरी थी। बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छल कपट के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहे हैं। मेरी आजी अम्मा यानी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने भी छल कपट करने वाली डीपी मिश्रा की सरकार को गिराया था, और यही काम मैंने भी मध्य प्रदेश में करके दिखाया। लेकिन मैं पद का भूखा नहीं हूँ, क्योंकि सिंधिया परिवार हमेशा जनसेवा के लिए खड़ा रहा है। सिंधिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात को दोहराते हुए कहा कि इस बार आर या पार। बता दें कि सिंधिया का ये निशाना दिग्विजय सिंह की तरफ था, क्योंकि 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया दिग्विजय सिंह थे। सिंधिया का ये बयान प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।